हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई टेक हैकर। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है और आप लोग उसमें अपने NPCI को DBT को इनेबल करना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड को लिंक करना चाहते हैं, तो आज के इस वाले वीडियो में आपको तीन ऑनलाइन तरीके और आपको दो यहाँ पर ऑफलाइन तरीके बताऊंगा। ठीक है, टोटल यहाँ पर पांच तरीके आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको पूरा यहाँ पर डिटेल में पता चल जाएगा कैसे आपको यहाँ पर पांच तरीकों से अपने पंजाब नेशनल बैंक में NPCI, DBT, आधार कार्ड को लिंक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक तरीके से, और यहाँ पर जो सबसे अच्छा तरीका होता है उसके ज़रिए मैं यहाँ पर आपको शुरुआत करके बताने वाला हूँ। और इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है पंजाब नेशनल बैंक DBT लिंक। इस तरीके से आपको सर्च कर लेना, इधर आप देख पा रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक DBT लिंक। तो आपको यहाँ पर PNB इस तरीके से वेबसाइट मिल जाएगी, जो पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा OTP बेस्ड आधार सीडिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे इधर आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पर OTP बेस्ड आधार सीडिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ अकाउंट इस तरीके से लिख के आ रहा है, और नीचे यहाँ पर दिख रहा है क्लिक हेयर फॉर OTP बेस्ड आधार सीडिंग। तो आपको क्या करना है, इधर जस्ट क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे रेफ्रेश कैप्चा पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि कैप्चा रेफ्रेश नहीं है, तो इधर कैप्चा भी रेफ्रेश होकर आ गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने बैंक का अकाउंट नंबर आपको देना है, और ये जो कैप्चा दिख रहा है YQVAYP उसको देकर इधर कंटिन्यू करना है। ठीक है, हालांकि अभी मेरे पास पंजाब नेशनल का जो बैंक अकाउंट नंबर नहीं है क्योंकि मेरे पास पंजाब का खाता नहीं है। आप में से किसी का भी हो तो आप मुझे कमेंट करिए कि मेरे पास है, इंस्टाग्राम पे हम कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पर आपका मैं DBT इनेबल कर दूंगा और एक वीडियो भी बन जाएगी सारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको क्या करना है, पहले अपना अकाउंट नंबर देना है और यहाँ पर एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ये लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको जो है अपना आधार नंबर देना होगा और आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इधर आप देख पा रहे होंगे, और जो है आपका यहाँ पर आधार कार्ड जो सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर पहला तरीका, जो कि सबसे आसान तरीका है मेरे हिसाब से। इससे भी आसान आसान तरीका बताऊंगा, ऑनलाइन तरीका बताऊंगा, बट वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो क्योंकि टोटल आपको यहाँ पर पांच तरीके बताने वाला हूँ आज की इस वाले वीडियो में, जिससे कि आपको मजा आ जाएगा। तो ये हो गया पहला तरीका, पहला तरीका मैंने को समझा दिया है कि यहाँ पर कैसे आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना है, NPCI या DBT इनेबल करना है। तो पहले तरीके के बाद हम बढ़ते हैं अगले तरीके के बारे में, और अगला तरीका है यहाँ पर मैं ऑफलाइन तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि अगला जो तरीका है वो यहाँ पर ऑफलाइन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक यहाँ पर आपको PDF मिलता है इसको डाउनलोड करने का, और वो है ये वाला PDF। तो इधर आप देख पा रहे हैं दूसरा तरीका इस आप PDF के माध्यम से, यानी कि एक फॉर्म के जरिए आप कर सकते हैं अपने ब्रांच में विजिट करके। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि दो ऑफलाइन बताऊंगा, तीन ऑनलाइन, तो ये पहला ऑफलाइन तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने ब्रांच का नाम देना है, इस वाले जगह पर अकाउंट नंबर देना, अपना नाम देना है, अपना यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें लिखा हुआ भी आ रहा है कि यहाँ पर आप NPCI मैपर में इसको लिंक करना चाहते हैं, इधर आप देख पा रहे हो। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर भी कर देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर, अगर आप किसी से ऑलरेडी लिंक है तो उसका अकाउंट नंबर देना होगा। मतलब ये फॉर्म बहुत इजी होता है, आप इसको फिल करके डायरेक्ट दे सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो कि आपको डॉक्यूमेंट में अपने आधार कार्ड की कॉपी जो है वो ले जाकर देनी पड़ेगी, और बस नॉर्मली इस फॉर्म को अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी के साथ जमा कर देना है। और यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपका NPCI है वो इनेबल हो जाएगा, आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक हो जाएगा। इधर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर DBT भी आपका इनेबल होगा, प्लस NPCI भी आपका यहाँ पर इनेबल होगा, दोनों चीज़ इस फॉर्म से आपका हो सकता है। तो ये हो गया दूसरा, और यहाँ पर ये हो गया पहला ऑनलाइन तरीका। अब यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं अच्छे तरीकों के बारे में, जो कि ऑनलाइन होगा प्लस आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इधर आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं यहाँ पर फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पर काफ़ी सारे तरीकों के जरिए हम अपना जो है यहाँ पर आधार सेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका आप बताते हैं ऑनलाइन वाले में, यानी कि अब तीसरा तरीका आपके सामने आ चुका है क्योंकि दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये थर्ड तरीका कि है इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, अगर आपका भी यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग है आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा
आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अदर सर्विसेज का, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस अदर सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आधार रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और जैसे आप आधार रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा जो कि कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर आधार नंबर, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, यहाँ पर आपको अपना 12 अंकों का जो आधार नंबर है वो दे देना है। आधार नंबर आप देंगे, देने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो आपका अकाउंट नंबर होगा और जो आधार नंबर होगा वो यहाँ पर डायरेक्ट सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके यहाँ पर एक OTP आ जाएगा और आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ले लिया जाएगा। इधर आप देख पा रहे हो, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार सेडिंग योर अकाउंट नंबर, आपका पूरा अकाउंट नंबर आएगा, हैज बिन रिसीव्ड, यू कैन व्यू स्टेटस थ्रू लिंक्ड अकाउंट अकाउंट समरी आफ्टर 48 आवर्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 48 घंटे के बाद यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा, यानी कि आपका जो DBT है या फिर जो NPCI है वो सबका सब चीज़ यहाँ से इनेबल हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी यहाँ पर ये कर सकते हैं और 48 घंटे में ये काम हो जाएगा। तो ये हो गया आज का तीसरा तरीका, तीसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ तरीके के बारे में, जो कि होगा ऑफलाइन, और ये आप करेंगे ATM के थ्रू। ATM मशीन में आपको जाना पड़ेगा अपने नियर किसी भी ब्रांच में, और ये ATM जो मशीन होना चाहिए वो पंजाब नेशनल बैंक का ही होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने ATM मशीन में जाना होगा, और यहाँ पर आपको जाने के बाद देखिए क्या ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो अपने नियर में ATM मशीन में जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना ATM कार्ड डालना है, और वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए अदर सर्विसेज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये वाला, आपको इस अदर सर्विसेज पे क्लिक करना है। अदर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट पेज आएगा, जहां पर आपको देखिए यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है आधार नंबर रजिस्ट्रेशन, आपको इस जगह पे क्लिक करना होगा। अब यहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए एक नया पेज खुल के आएगा, एक नया स्क्रीन आएगी जिसमें आपको बोला जाएगा कि इंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर, यहाँ पर आप देखिए, फिर आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपको अब दोबारा से पेज आएगा, यहाँ पर देखिए प्लीज़ री इंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर, आपको दोबारा से अपने 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा, और फिर से जो है यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बोलेगा कि अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करिए, अपना अकाउंट सेलेक्ट करिए, तो यहाँ पर आपको अपना सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार नंबर रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिसीव्ड, इट विल बी एक्टिवेटेड विद इन 48 आवर्स। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिक्वेस्ट है आधार कार्ड लिंक करने का वो यहाँ पर सक्सेसफुली ले लिया गया है, और 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर जो है आपका आधार कार्ड लिंक हो जाएगा, यानी कि NPCI या फिर DBT यहाँ पर इनेबल हो जाएगा 48 घंटे के अंदर। तो कहते यार ये तरीका हो गया हमारा चौथा तरीका, और ये हो गया ऑफलाइन तरीका। अब हम बात करते हैं लास्ट तरीके के बारे में, और वो भी एक तरीके से आप ऑनलाइन या फिर घर बैठे कर सकते हो, वो तरीका है SMS करके, ठीक है। उसके लिए बस क्या करना होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, देखिए क्या लिख के आ रहा है, कस्टमर नीड टू सेंड SMS टू 5607040 विथ कीवर्ड, क्या लिखना है वो देखिए, यहाँ पर लिखना है इस तरीके से आधार स्पेस अकाउंट नंबर स्पेस आधार नंबर, और इसको सेंड कर देना है इस नंबर पर, ये आप देख पा रहे हो ये वाला जो नंबर दिख रहा है आपको, इस पर जैसे आप इस पर सेंड करोगे आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाएगा। और ये हो गया पांचवा तरीका आज का। तो कुछ इस तरीके से पांच तरीकों से आप अपने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, NPCI को इनेबल कर सकते हैं, DBT को इनेबल कर सकते हैं। ये वाला प्रोसेस मैं आपको करके दिखा देता हूँ जो SMS वाला है। इसमें आपको क्या करना है, अपना मैसेज बॉक्स ओपन करना है, प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो आपने नंबर लिया था उसको इस तरीके से पेस्ट करना है। नंबर आप देख लीजिए यहाँ पर 5607040, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अब देखिए ऐसे लिखना है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ, आधार, और यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें डबल ए है या फिर एक ए है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ए है, आधार इस तरीके से लिखना है, ठीक है, इसमें डबल ए नहीं डालना है आपको, आधार लिखना है, उसके बाद एक स्पेस देना है यानी कि एक खाली जगह छोड़ना है, उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर देना है इस तरीके से जो भी आपका हो, उसके बाद फिर से एक स्पेस देना है, उसके बाद आपको अपने 12 अंकों का जो है आधार नंबर देना है, और आधार नंबर देने के बाद कुछ नहीं करना, सिंपल सा बस अब इसको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद ये भी 48 आवर्स का टाइम लेगा, और यहाँ पर जो है आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका NPCI DBT सब कुछ यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो कहिए कुछ इस तरीके से इन पांच तरीकों से आपको पंजाब नेशनल बैंक में अपने आधार कार्ड को लिंक करना है, DBT को लिंक करना है, NPCI को लिंक करना है। उम्मीद करते हैं मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी है कैसे क्या चीज़ करनी है। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा पूछते हमें कमेंट करिए। आज के इस वाले वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय जैन, थैंक यू।